वाराणसी के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भूत भैरव नखास ससुराल में अपनी बेटी माधुरी गुप्ता तथा उसके 2 वर्ष के बेटे को लेकर माधुरी के पिता के ससुराल पहुंचे। रास्ते में आते देखकर माधुरी का पति सुनील ऊपर चढ़ गया। परिवार के सभी लोग घात लगा कर के बैठे थे। माधुरी जो सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए चढ़ी, तभी ऊपर से माधुरी का पति सुनील माधुरी को सीढ़ियों से धकेल दिया। माधुरी को गिरता देख पिता बचाने के लिए गए, तभी वहां सुनील गुप्ता व अजय गुप्ता 2 अज्ञात लोग मिलकर लाठी डंडा लेकर आए और रोड पर पिता को मारने लगे। तो वहीं मार मार कर पिता को लहूलुहान कर दिया। किसी प्रकार वहां से जान बचाकर पिता वहां से कोतवाली थाने पहुंचे तो मेडिकल मुआयना कराया, रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं आपको बता दें, माधुरी के ससुराल वाले अक्सर माधुरी को प्रताड़ित करते थे, इसीलिए माधुरी कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले गई थी। माधुरी के ससुराल वाले विदाई करने के लिए नहीं जाते थे और जब पिता आए छोड़ने, तब माधुरी के ससुराल वालों ने उनका बुरा हाल कर दिया। आखिर में पीड़िता माधुरी गुप्ता अपने पिता तथा अपने बच्चों के साथ पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के यहाँ भी गुहार लगाने के लिए पहुंची। देखिए न्याय कहाँ मिलता है। कहाँ के निवासी? आज यहाँ कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी में आए हुए हैं। क्या समस्या है? आज यहाँ कार्यालय पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट में आए हुए हैं। समस्या क्या है आप? क्या नाम है लड़की का? माधुरी। माधुरी इसको 2 बच्चा है। अच्छा, एक बच्चा अभी हुआ है 1.5 बजा को, उसके घर वाले कहे इसको ले जाओ, बाल बच्चा हो जाएगा, पैसा देंगे। अच्छा, हमारा 2 लाख रुपया लगा है इसको चराने लगा, फिर आज लेकर आए इसको। आज विवाह आने के लिए गए घर पर, इसके बाद सब इसको फेंक दिए, बच्चा फेंक दिए, इसको हम पकड़े, इसको भी मारे पीट ले गए, लपटे सब। किस चीज़ से मारे हैं? टिके सब लाता झुकता है, पहुँच वाला सब मारे। आज यहाँ ज्ञापन दिए हैं, क्या संतावना मिला है? यहाँ से मिला है कि जाइए वहाँ की कोतवाली पर कम से कम 5 लाख गए। इसके पहले महिला पुलिस में गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर कोतवाली में आए, यहाँ कोई नहीं सुनवाई हुआ, लेकिन अभी पांडे हैं वो सबके जांच, वही इधर उधर किया, इसके लड़की को हमारे चालान भी भेज दिया 107 रुपये। अच्छा, जी आप अपना परिचय। जी मेरा नाम ज्ञान प्रकाश एडवोकेट है, मैं इनका अधिवक्ता हूँ। और मामला देखिए, ये ताज़ा नहीं है, ये जो है इनकी लड़की है माधुरी गुप्ता। माधुरी गुप्ता के पेट में जब से बच्चा आया तब से उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, कभी मार पी, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, उनको दूध न देना, खाना पीना न देना, ये कई मरतबा हमारे पास आई। तो हम उनको लेकर के कोतवाली थाने गए। कोतवाली थाने में हीरा वाली करते, अरे चलिए हो जाएगा वकील साहब, मैनेज कर लीजिए, परिवार है परिवार है। और इतना दिन तक देखते देखते जो है परिणाम स्वरूप आज सुबह जब ये हमारे जो क्लाइंट हैं ये अपने पुत्री को लेकर के अपने ससुराल आते हैं, इसके ससुराल आते हैं, ससुराल में जैसे ही एंट्री करते हैं तो इनका दामाद और दो भाई और उसके साथ 5 अन्य व्यक्ति पहले से घात लगा करके बैठे थे कि आएगा तो मारेंगे। तो जैसे ही ये दरवाज़ा खटखटाए कुछ नहीं करते हुए तुरंत गाली गलौज माँ बहन की भतीजी गाली गुप्ता देते हुए ये जो एक मारपीट पर आमादा हो गए। इनको लाठी डंडा जिससे भी मिला उससे मारे। 1.5 माह का इनका बेटा है अभी, तो 1.5 माह के बेटे को भी उठा करके फेंक दिया गया और एक बेटी है, बेटी को भी फेंक दिया गया, बेटी को भी इनके पुत्री को भी मारा गया। और तत्काल ये कार्रवाई करते हुए ये चौकी प्रभारी सप्तसागर, उनका क्या नाम है? पांडे जी के पास गए तो पांडे जी जो है बोले कि चलिए वकील साहब हम लोग चलते हैं, और चलिए वकील साहब हम लोग चलते हैं कोतवाली थाने पर, इसको देख लेते हैं। तो किसी भी पक्षी को नहीं पकड़ा गया, ना तो इनका मेडिकल मुआयना कराया गया, ना तो इनसे पूछताछ की गई, ना तो ये हिमाकत जता पाए कि विपक्षियों को पकड़ करके मैं बैठा लूँ, बस अर्थ इनको 2 से 2.5 घंटा तक बैठाया गया। नमस्कार, मैं पत्रकार अजय कुमार श्रीवास्तव आज पुलिस आयुक्त यहाँ कमिश्नरेट में पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि एक दिव्यांगी की महिला को उसके पति के द्वारा, सास ससुर और अन्य व्यक्तियों के द्वारा
जो है मारपीट कर करके और उसके पिता को जख्मी कर करके और जो है लहूलुहान कर दी। और यहाँ तक कि मामला कोतवाली का है, मामला कोतवाली का है, कोतवाली में जब इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो है आज ये कमिश्नरेट में आए हुए हैं और जो है यहाँ पे इन्होंने ज्ञापन दिया, आगे देखते हैं क्या होगा, खबर देखने के लिए बने रहिए।